hello this is jay ahmad your physics teacher from central public school in the previous lecture we studied about speed velocity uniform speed and uniform velocity non-uniform speed and non-uniform velocity i hope you all got the previous topics very clearly in this lecture we are going to discuss about acceleration and the different types of accelerations so स्टार्टिंग एक्सेलरेशन तो इससे पहले कुछ जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन को क्यों जरूरत पड़ा हमें बनाने की मतलब क्या क्यों ऐसा जरूरत पड़ा कि क्या जरूरत हम है हमको नया नया चीज पढ़ने का तो ऐसा तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि पुराने वाले चीजों से ही काम चल जाता वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही तो बहुत था फिजिक्स में फिर क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा बोझ लादने के लिए बच्चों पे कि एक नया क्वांटिटी अब बना दिया एक्सेलरेशन तो इसको इसको समझने के लिए हम देख सोचते हैं कि क्या कई बार क्या होता है हमारा स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हमारी जर्नी में कांस्टेंट नहीं रहती है जो कि मोस्ट कॉमन केस है अगर कहीं हम जाते हैं या ट्रेन चलती है हमारी तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से तो चलती नहीं है यूनिफॉर्म स्पीड क्या है जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करे तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं और उस समय स्पीड क्या होती है कॉन्स्टेंट सिक्सटी किलोमीटर या सेवेंटी मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं रियल लाइफ में तो स्पीड क्या होती है कभी इंक्रीज़ भी होती है कभी डिक्रीज भी होती है अब कई बार क्या होता है कि किसी किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है किसी किसी का ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होता है सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो दस सेकेंड के बाद पहले दस सेकेंड पहले दस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था दस सेकेंड के बाद वो बीस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है फिर अगले दस सेकंड के बाद वो तीस मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है मतलब 10, 10 दस दस सेकंड पे दस दस मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग टाइम पे उसका स्पीड था दस मीटर पर सेकंड एक सेकंड के बाद बीस मीटर फिर अगले एक सेकंड के बाद तीस मीटर पर सेकंड तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड हर सेकंड दस दस इंक्रीज हो रही है यानी इसका स्पीड 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 इंक्रीज होने का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले वाले कंपेरिजन में यानी हमको एक ऐसा नया क्वांटिटी जरूर बनाना पड़ेगा जो कि हमें ये बताए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है तो कितनी तेजी से या कितने धीरे रफ्तार से किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो रहा है तो इसलिए हमें एक नया टर्म डिफाइन करना पड़ा एक्सल्रेशन ये वर्ड हमें बताएगा ये टॉपिक ये वर्ड हमें बताएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो किस किस तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा है ठीक है तो इसको बुक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सलेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी में velocity में बदलाव बदलाव यानी कब यानी वेलोसिटी का डिफरेंस सपोज किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यू था और फाइनल वेलोसिटी वी था तो चेंज क्या होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी वी माइनस यू यही तो बदलाव हुआ वेलोसिटी में ठीक है सपोज कोई ऑब्जेक्ट था बीस मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अभी जा रहा है और उसके पहले था वो दस मीटर पर सेकेंड पे तो चेंज क्या होगा ट्वेंटी माइनस टेन टू टेन मीटर पर सेकेंड यही यही तो चेंज हुआ वेलोसिटी वेलोसिटी में में या में. स्पीड स्पीड ठीक है अब और एक ही बोल सकते हैं जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो दोनों एक ही है जब स्ट्रेट लाइन मोशन सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो स्पीड और वेलोसिटी में फर्क नहीं है तो क्योंकि हमारे बुक्स बुक्स में जो जो भी क्वेश्चन आएंगे जनरली वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहाँ पे स्पीड और वेलॉसिटी एक मतलब लगभग लगभग बराबर है तो मैं इसीलिए दोनों टर्म को मैं एक जैसा इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक है तो ये हो गया चेंज और रेट के बारे में मैंने बताया था कि अगर रेट रेट आपसे कभी कुछ बोले, बोले, तो जिस चीज़ का रेट बोले, उसको टाइम से डिवाइड कर, तो कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन ठीक है तो जो कि फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का उसके डेफिनेशन से A इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी इज द फाइनलिटी यू इज द इनिशियल अब एक्सेलेशन जो हमारा क्वान्टिटी है वो डिपेंड वो एक वेक्टर क्वान्टिटी है ठीक है यानी इसमें मैग्निट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा अब इसका डायरेक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है velocity पे। ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में वेलॉसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं लेकिन उस पर डिपेंड करता है वो निकाल देखते हैं हम लोग कैसे ठीक है एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है दूसरे यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं जैसे कि हमारा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर और भी जैसे यूनिट्स से है हमारे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ढेर सारे यूनिट्स है लेकिन ऐसा यूनिट हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अब ये हमारा हो गया एक्सलेशन ठीक है अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सपोज कोई कार थी हमारी मैं कोशिश कर रहा हूँ कार बनाने का मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है हो सकता है बहुत लोग हंस भी रहे होंगे कि सर की ड्राइंग बहुत ही बेकार है फिर भी कॉपरेट करो आप लोग तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी इस कार की 25 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड और इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है मतलब यू से भी पहुंचने में हमको लगा पाँच सेकेंड का टाइम तो हमसे पूछा एक्सेलरेशन बताइए क्या हुआ अभी तो हम हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है हम बहुत होशियार बच्चे हैं हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है हम तो फिजिक्स वाले हैं v माइनस यू अपॉन टी दिस इज आवर फॉर्मूला सो वी कैन कैलकुलेट a 50 इज द फाइनल वेलोसिटी 25 फाइव द इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम वट इज द टाइम गैप फाइव सेकेंड तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फाइव हम बाहुबली बन गए हमने एक्सेलेशन निकाली लिया है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ऐसे आप एक्सेलेशन निकाल सकते हो अब एक्सलेशन के भी टाइप है जो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है ठीक है और एक्सेलरेशन को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही के लेक्चर में इसको खत्म कर दो तो आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो और क्योंकि मैं WhatsApp पे भी एक बार पढ़ा चुका हूँ काफ़ी अच्छे से तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को अभी याद भी होगा सारी सारी बात याद रखे हुए बहुत सारे बच्चे होशियार हैं वैसे तो सभी बच्चे होशियार हैं ठीक है थीके? तो एक्सेलरेशन जो है ऐसा हम एक तरह से बोल सकते हैं कि दो टाइप से दो टाइप हैं इसके एक नॉर्मल एक्सेलरेशन ठीक है उसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं वैसे दूसरे वाले को भी एक्स अब ये क्या है हमारा जब अब देखो ऑब्जेक्ट का जो उसमें हमारा जो डेफिनेशन था उसमें ये तो नहीं था कि ऑब्जेक्ट का स्पीड हमेशा इंक्रीज ही होगा या वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगा चेंज बताया गया था अब चेंज दो तरीके से हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाए या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड घट जाए ठीक है तो पहला केस अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो उसको हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल देते हैं ठीक है अगर ऑब्जेक्ट तो उसकेट है एक्सेलेशन का ए सी सी एन ठीक है और अभी जो डायरेक्शन हो क्योंकि क्वांटिटी है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा सपोज ये हमारी कार वही खराब सी ड्राइंग आपके जैन अहमद सर की ये कार इधर जा रही थी और इसकी वही पच्चीस से पचास हुई तो इसका डायरेक्शन इधर है तो क्योंकि v का डायरेक्शन भी इधर ही है तो a का डायरेक्शन भी इधर ही होगा कब जब स्पीड हमारा इंक्रीज हो रहा होगा ठीक है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है हमारा इसको नॉर्मल एक्सलेशन भी बोलते हैं दूसरा केस एक बनता है क्या उसको बोलते हैं रिटार्डेशन रिटार्डेशन डी एक्शन डी इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं ठीक है क्यों क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो उस केस में अगर अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है अगर आपसे एक्सेलरेशन बोला है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो हम इसका वैल्यू प्लस ही लेंगे लेकिन अगर बोलता है एक्सेलेशन एक्सलरेशन है टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो हम न्यूमेरिकल में इसमें माइनस लगा लेंगे ठीक है जो कि क्वेश्चन करेंगे हम लोग समझेंगे तो रिटार्डेशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो डिक्रीज होगा अब सपोज वही वही एग्जाम्पल अब यहाँ पे मेरा इनिशियल स्पीड पचास हो गया और फाइनल स्पीड जो है मेरा वो पच्चीस हो गया स्पीड मेरा डिक्रीज हो रहा है अभी भी ऑब्जेक्ट जो है इधर ही जा रहा है तो v का डायरेक्शन यही है लेकिन क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है हमारा यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा ये निगेटिव एक्सेलरेशन है ठीक है तो अगर पॉजिटिव यानी नॉर्मल तो जिधर मेरा वेलोसिटी उधर ही मेरा एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन है तो जिधर मेरी वेलोसिटी उसके ठीक अपोजिट में मेरा एक्सेलरेशन ये दोनों फर्क था इसमें आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है देन वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन इफ द स्पीड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम देन वी टेक द निगेटिव वैल्यू मैं अभी फिर से कह रहा हूँ मैं स्पीड और वेलोसिटी बार बार इंटरचेंजेस लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना है और स्ट्रेट लाइन मोशन में मैक्सिमम केसेज में स्पीड और वेलोसिटी सेम है ठीक है लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम नहीं होते हैं ये आप तो जानते ही हो एक, एक, एक स्केलर है एक वेक्टर है ठीक है तो अब इसके बाद जो पढ़ते हैं हम लोग तो ये आपको समझ में आ चुका होगा अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सेलेशन के दो और जो मतलब ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया समझने के लिए इसके बाद भी दो एक्सेलरेशन और होते हैं एक होता है मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी था वैसा यूनिफॉर्म एक्सेल यूनिफॉर्म एक्सेलेशन ए सीसीज देशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्से अब ये बस डिकेट कर रहा हूं इसके बारे में डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है इफ द स्पीड इफ दसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देनजे एक्सेलरेशन अगर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्वल इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है जैसे कि वो केस मैंने लिया था 10 सेकंड में 10 मीटर बढ़ 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा उसका वी और ये टी ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ठीक है 10 मीटर पर सेकंड, जीरो सेकंड पे फिर 20 मीटर पर सेकंड हुआ इसका स्पीड दस सेकेंड पे फिर थर्टी मीटर पर सेकेंड हुआ इसका स्पीड ट्वेंटी सेकेंड पे फिर फोर्टी मीटर पर सेकेंड हुआ इसका स्पीड स्पीडी सेकेंड पे तो हम क्या देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो इक्वल अमाउंट टेन मीटर पर सेकेंड और टेन सेकेंड के गैप पे इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सलेशन का केस है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज हो यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कब होगा जब ऑब्जेक्ट का स्पीड डिक्रीज हो तो रिटार्डेशन का भी एग्जाम्पल ले लेते हम लोग यहीं पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन सेम ठीक उसी का उल्टा ये v और ये t पहले 40 ले लिया मैंने जीरो सेकेंड पे 30 दस सेकेंड के बाद फिर बीस बीस सेकेंड पे और फिर हो गया मेरा दस तीस सेकेंड पे और फिर हो गया मेरा जीरो चालीस सेकेंड पे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, है वो इक्वल इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस हो गया ये यूनिफॉर्म एक्सेलेशन का केस हो गया दोनों को यूनिफॉर्म एक्सेलेशन में ही रखते हैं क्योंकि रिटार्डेशन भी एक एक्सेलेशन ही है निगेटिव एक्सेलेशन न यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है जो चेंज होगा वो अनइकल अमाउंट में चेंज होगा अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो सकता है या अन इक्वल अमाउंट में डिक्रीज होगा अगर अन एकवल अमाउंट में इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और अगर अन एक अमाउंट में डिक्रीज होता है तो उसको बोलेंगे नन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन उसका एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे. ये वी और ये टी पहले एक्सेलरेशन का लेते हैं सपोज किसी ऑब्जेक्ट का था स्पीड जीरो मीटर पर सेकेंड जीरो सेकेंड पे जब हमने देखना शुरू किया जीरो का मतलब जब हमने देखना शुरू किया उस ऑब्जेक्ट को फिर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हुआ फाइव मीटर पर सेकेंड दस सेकेंड के बाद फिर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड हुआ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड अगले दस सेकेंड मतलब बीस सेकेंड पे फिर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड जो हो गया वो सीधा फोर्टी हो गया फिर अगले दस सेकेंड मतलब तीस सेकेंड पे फिर फोर्टी के बाद सीधा सेवेंटी ये 40 सेकेंड पे अब अलग अलग इंटरवल में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलेशन तो इस वाले इंटरवल में एक्सेलेशन मेरा अलग आएगा इसमें जीरो पॉइंट फाइव आएगा इसमें अलग आएगा इन दोनों में अलग आएगा इन दोनों में अलग आएगा तो क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड का चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ये नॉन युनि, यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है रिटार्डेशन में ठीक उल्टा स्पीड डिक्रीज होगा हमारा तो ये था हमारा आज का एक्सेलरेशन का लगभग पूरा टॉपिक कवर कर दिया मैंने अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे हम लोग कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख ले पिछले अगले क्लास में और इस वाले लेक्चर को सबको ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है एक्सेलरेशन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर एक्सेलरेशन टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन अब इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर ये चौक अगर मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ता हूं तो इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी नाइन पॉइंट एट एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो यूनिफॉर्म है वो हमेशा नाइन पॉइंट एट ही लगने वाला है अर्थ तो पे ये मैंने छोड़ा इसका इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज होगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलेन का केस है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेशन का एग्जाम्पल हो गया अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर फेंकते हैं हम लोग तो ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे 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 घटती है और ऊपर जाकर रुक जाती है ऑब्जेक्ट तो वो हमारा हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस और ये नन यूनिफॉर्म का केस कॉमन है बाइक बाइक अगर हम लोग रोड पे चलाते हैं तो हमारी स्पीड अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो जो हमारा नॉर्मल मोशन है वो जनरली नन यूनिफॉर्म होता है ठीक है तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आज का सारा सारा टॉपिक जो है आज का थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ नाइस डे